सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। आपका दोनों का इसमें पूरा सहयोग हो, सरकार और समाज के सहयोग से ही इस संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि इस संक्रमण का वाहक जो है वो मनुष्य है। इसलिए जब तक हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के प्रति हम एक ऐसा भाव रखेंगे कि अगर किसी को कोई संक्रमण हुआ है तो उसके प्रति हम हीन भावना या दुर्भावना नहीं लाएंगे, उसकी हम मदद करेंगे, तो हम इस प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए आप सबों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने जो सावधानी के तरीके हैं उनको बनाए रखें। और देखिए, खास करके ध्यान देने की बात यह है कि जो अभी जिन लोगों को संक्रमण हुआ था वो वैसे लोग हैं जो कि घर से बाहर किसी काम से निकलते हैं, नौकरी के कारण से, बाजार जाने के लिए और कारणों से वो निकलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रदेश का जो घर के अंदर अभी तक लगातार रहा है, जैसे बच्चों के स्कूल नहीं खुले, बच्चे घर के भीतर ही रहे हैं अधिकांश, ऐसे ही हमारे बुजुर्ग जिनको कि जब से लॉकडाउन हुआ तब से उनको घर के अंदर ही रखा गया है, तो ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन भी है। अगर इनमें संक्रमण आता है तो फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें अभी बहुत ही सावधान रहना है, सावधानी के तरीकों को बरतना है, और जो लोग बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, पहले से बीमार लोग हैं, उनको संक्रमण से बचाए रखना है, छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाना है। और इसके लिए अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, और लोगों से दो गज की दूरी बनाइए। जहां भी जाइए लोगों से दो गज की दूरी रखिए। आप अगर ये तीन सावधानियां बरतते रहेंगे तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी, और आपसे संक्रमण फैलने की संभावना भी नगण्य हो जाएगी। क्योंकि जो संक्रमित व्यक्ति है जब वो बोलता है, खांसता है, छींकता है, तो विषाणु संक्रमण के निकलते हैं मुंह और नाक से, और फिर वो दूसरों के पास जाते हैं। अगर आप अपने मुंह और नाक को ढके रखेंगे तो जो व्यक्ति संक्रमित है उसका संक्रमण बाहर नहीं जाएगा, और दूसरों के संक्रमण संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। और जो संक्रमित नहीं है वो भी अगर अपने मुंह नाक को ढकता है, लोगों से दूर रहता है, तो उसके भी संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो हमें सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण को और नियंत्रित करना है। प्रदेश में इस समय जो 53,953 कुल केस हैं एक्टिव आज की तारीख में, इनमें से 26,770 होम आइसोलेशन में है। अब तक कुल 2,08,993 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं, उन्होंने इस विकल्प का उपयोग किया है, और उनमें से 1,82,223 लोग पूर्णतः उपचारित हो गए, जो अस्पतालों में भी गए और होम आइसोलेशन में भी गए, सबको मिलाकर के अगर हम देखें तो कुल उपचारित होने वालों की संख्या अब 3,31,270 है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 3,609 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, और सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी में 127 लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। पूल टेस्टिंग के कार्रवाई में 5-5 सैंपल के 2,443 पूल लगाए गए थे, इनमें 371 में पॉजिटिविटी देखी गई, और 10-10 सैंपल के 319 पूल लगाए गए थे, 46 में पॉजिटिविटी देखी गई। इसके अलावा जो सर्वेलेंस का कार्य हम लगातार करते हैं, और जिसमें हमें आपका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, जब भी सर्वेलेंस की टीम आपके यहाँ जाती है तो अपनी पूरी सूचना उन्हें दीजिए। जब सर्वेलेंस की टीम जाती है, अगर घर के किसी सदस्य को बुखार है, खांसी हो रही है, अगर उसको मान लीजिए उसकी सांस अगर किसी की फूल रही है, उसकी सूचना तत्काल दीजिए सर्वेलेंस की टीम को। अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है उसकी सूचना भी दीजिए, ताकि आपके निगरानी अच्छे से की जा सके। और जो हमारे ग्राम निगरानी समितियाँ हैं और जो मोहल्ला निगरानी समिति है, उसका भी बहुत बड़ा दायित्व है कि इस समय वो बिल्कुल चौकस रहें, सतर्क रहें, और सर्वेलेंस के काम में जो सरकारी टीमें हैं उनका सहयोग करें। आपके नज़र में जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आए आपके मोहल्ले में या आपके गांव में जिसको लक्षण आ रहे हैं, तत्काल जो कोविड कमांड सेंटर है उसको, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को या सर्वेलेंस की टीम को सूचित करिए, ताकि उसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी है, जाँच की कार्रवाई होनी हो, चिकित्सा कार्रवाई होनी हो, वो की जा सके। सर्वेलेंस के कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,23,661 इलाकों में
387,398 टीम दिवस के माध्यम से 2,53,35,093 घरों का सर्वेलेंस किया गया है और इन इतने घरों में 12,57,54,175 लोग रहते हैं। परसों यानी 26 तारीख को सरकारी अस्पतालों में 6,264 बच्चों का जन्म हुआ, उनका संस्थागत प्रसव हुआ, 6,051 नॉर्मल डिलीवरी हुई और 213 सिजेरियन सेक्शन हुए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये मैं आपसे अक्सर करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि संस्थागत प्रसव कितने हुए। जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनके प्रसव पूर्व जांच बहुत ही जरूरी है और संस्थागत प्रसव हो, किसी इंस्टीट्यूशन में, अस्पताल में डिलीवरी हो, ये जच्चा बच्चा के लिए, माँ और बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आती है, कोई एक कारगर दवा नहीं आती है, तब तक सावधान रहिए, इससे बचाव के तरीकों को अपनाइए, चिंता मुक्त रहिए। सरकार ने जांच और इलाज की व्यवस्था सब की कर रखी है, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आपको आगे की बातें बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संदर्भ में टीम 11 की बैठक ली, जैसा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ एक्टिव केसेस में निरंतर गिरावट आ रही है और जो पीक था प्रदेश का 68,235 उससे अब घटकर काफी कम हुआ है। ACS हेल्थ ने कल एक प्रेजेंटेशन सभी प्रदेश के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया है, वह प्रेजेंटेशन महत्वपूर्ण है और अभी हम प्रेस में उसको रिलीज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 जनपदों की रिव्यू एक एक जनपद के एक एक सीनियर नोडल ऑफिसर्स के साथ बैठकर किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि ये जो ऐसे जनपद हैं जहां 100 या 100 से अधिक एवरेज केसेस आ रहे हैं, इनको हर हालत में 100 के केसेस को कम करना होगा और मृत्यु जो इन जनपदों में हो रही है उस मृत्यु को भी प्रत्येक दशा में कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आगरा जनपद में यहाँ पर जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है और जो RT-PCR की पॉजिटिविटी है, जैसा कि हेल्थ डिपार्टमेंट बता रहा है, यहाँ कमी आई है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है मेरठ में कमी आई है, गौतम बुद्ध नगर में काफ़ी कम हुआ था पहले पीक के बाद, अभी उनको और सतर्कता बरतने की जरूरत है। गाजियाबाद में कमी आई है, हरदोई जैसे जिले में व्यापक रूप से कमी आई है, एक जिला ऐसा है लखीमपुर जहां बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहां मेहनत करने की आवश्यकता के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया है। कानपुर नगर में जो बड़ा शहर है, लखनऊ और कानपुर सबसे सेंसिटिव है, वहां काफी कमी आई है, लखनऊ में विशेष रूप से कमी आई है और ये विवरण भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब मुरादाबाद में कमी आई है, झांसी में कमी आई है, प्रयागराज महत्वपूर्ण शहर है और सेंसिटिव है, माननीय उच्च न्यायालय भी प्रयागराज में है, वहां पर भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में पूरे विभाग के द्वारा कार्य करने के आधार पर काफी कमी आई है और साथ ही साथ वाराणसी जैसे शहर में भी कमी आई है। बागपत जैसा जिला भी आपने लिया है, वहां शुरू से कम रहा है और ललितपुर जो जिला हमारे अंतिम छोर पर बुंदेलखंड में है, यहां पर भी कमी आई है। ये विवरण अभी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ कल जो है एक और प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी ने देखा था, वो गृह विभाग का प्रेजेंटेशन था, जो IG ने एक अनूठा और एक अच्छा नया प्रयास किया है, लक्ष्मी सिंह जी ने, IG लखनऊ ने, उसका भी प्रेजेंटेशन अभी हम आपको देंगे, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति या रखा गया है। ऑपरेशन शक्ति मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि प्रमुख चौराहों, महिला स्कूल, कॉलेज और जहां भी ऐसे स्थान है जहां लड़कियां या महिलाएं या छात्राएं निकलती हैं, उन जगहों की क्राइम मैपिंग कराई जाए, यदि कहीं छेड़खानी की शिकायत है,
यदि वहां पर कोई ऐसे शोधों की शिकायत है तो वहां महिला पुलिसकर्मी तैनात किया जाए और फिर शक्ति मोबाइल द्वारा उनको फिर पाबंद करने की कार्रवाई किया जाए। इसी के क्रम में विशेष अभियान चलाकर हर जिले में पॉस्को एक्ट में शीघ्र सजा दिलाने का भी एक अभियान चलाया गया है और जनसाधारण में भी एक व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। बीट प्रभारी, थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी को उन गांव में भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है जहां ऐसे अभियुक्त या उपद्रवी तत्व हैं, जिनको बुलाकर पहले तो काउंसलिंग और हाजिरी उनकी ली गई है और फिर ऑपरेशन शक्ति के तहत उनके परिवार वालों को भी हिदायत दी गई है, उनको भी हिदायत दी गई है। 10 दिन का ये एक अभियान 5 सितंबर से शुरू किया गया था और इस अभियान के तहत हर थाने में महिला कर्मियों को, बाकी लोगों को जगह जगह गांव में भेजकर ऐसे लोगों को जिनके अभियुक्त हैं या जो शोधे किस्म के हैं उनका विवरण महिला अपराध और अपराध रजिस्टर में दर्ज कराया गया है। इसी क्रम में जो ये पूरी प्रक्रिया है उसमें जो है मौके पर जाने के बाद उनसे जमानत भी भरवाई गई है ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध कि वो अपना डिटेल, मोबाइल नंबर और जमानतदार का भी डिटेल देंगे जिससे कि उनके परिवार के माध्यम से उन पर एक जो है सामाजिक प्रेशर डाला जाए कि वो आगे किसी भी रूप में इस तरह की अनवांटेड एक्टिविटी में कहीं भी जो है आगे ना आने पाए, ये पुनरावृत्ति ना करें, इन घटनाओं की जो है इन संभावना भविष्य में छीण की जाए, इस ओर ये अभियान चलाया गया है। क्राइम मैपिंग वल्नरेबल स्पॉट्स का किया गया है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है और जहां आवश्यकता हुई वहां 107-16 की कार्रवाई भी की गई है। इनमें जो महिला अपराध हैं, हत्या है, बलात्कार है, शील भंग है, छेड़खानी है, पॉक्सको एक्ट है, इनको सबको जो है एंटी रोमियो स्क्वाड्स को लिस्ट देकर इनको जो है जगह जगह गाँव में भेजा गया है। इस पूरे अभियान में जो महिला पुलिसकर्मी है उनको लगाया गया है और इसमें जो शपथ पर साइन कराया गया है उसके द्वारा उसमें महिला संबंधी अपराधों से सुधार हेतु आरोपी का शपथ पत्र में खुद उसको लिखना पड़ता है कि वो अभी जमानत पे है लेकिन आगे इस तरह की घटनाओं में कतई जो है वो शामिल नहीं होगा। ऐसे 822 अभियुक्तों को 669 परिजनों के विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की गई है, 770 अभियुक्तों के खिलाफ 110G की कार्रवाई भी की गई है, एक से अधिक बार चिन्हित 564 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की गई है और एंटी रोमियो स्क्वाड ने 4512 स्थानों पर लगभग 6526 लोगों को चेक करते हुए 531 व्यक्तियों का चालान धारा 151 में किया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ के संदर्भ में विशेष रणनीति बनाने का निर्देश दिया है, टेस्टिंग और सर्वेलेंस को बढ़ाने का निर्देश दिया है, मुख्य सचिव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन टेस्टिंग और सर्वेलेंस का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ कोरोना दर को नियंत्रित करने में सफलता जो मिली है उसके लिए विशेष रूप से कहा है कि अभी और प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, जगह जगह माइक्रोफोन पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने की आवश्यकता है जिससे लोगों में जागरूकता भी आगे आए और लोगों को बताया जा सके कि हर हालत में जो है कोरोना पर हमको नियंत्रण रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से जो लोग होम आइसोलेशन पे हैं उनको फोन करने का निर्देश दिया है और साथ ही आज उद्योग के संदर्भ में निवेश से इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों से निरंतर संवाद बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। आज उन्होंने अनलॉक व्यवस्था के तहत औद्योगिक विकास और उनकी गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश दिया है और इन्वेस्टर समिट के दौरान जो लोग आए हैं ऐसे इच्छुक उद्यमियों और निवेशकों से जो है आगे उनके प्रोजेक्ट्स ले जाने के लिए सहयोग करने का निर्देश दिया है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी आयोजित करने का भी निर्देश दिया है और साथ ही साथ ये निर्देश दिया है कि ऐसी कार्ययोजना बनाई जाए कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। 1 अक्टूबर से धान खरीद की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, इस संदर्भ में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि धान धीरे धीरे आता है लेकिन हर हालत में 1 तारीख से धान खरीद की कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। मैं पुनः इस अवसर पर बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो पूरा एक कार्ययोजना माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रही है तो अब कहीं ना कहीं गिरावट जो है प्रदेश में केसेस की भी आई है, डेथ्स में भी कंट्रोल करने की कार्रवाई की जा रही है और आगे ये प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।